पिछले 2 सालों में अखिलेश यादव का सामना इतने गद्दारों से हो चुका है कि किसे रखें, किसे निकालें, किसे अपना कहें, किस पर भरोसा करें, कौन पार्टी के लिए समर्पित है और कौन पार्टी को भीतर ही भीतर घुन की तरह खा रहा था, ये समझ ही नहीं आ रहा था। इसीलिए अखिलेश यादव ने पार्टी की सारी A to Z, सारे प्रकोष्ठ, सारे युवा संगठन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सब कुछ भंग कर दी। अब सब कुछ नए सिरे से चुना जाएगा, यानी पार्टी अब पूरी तरह से नई हो जाएगी। अखिलेश यादव ने एक एक पार्ट बदलने की जगह पूरी पार्टी बदलने का आदेश कर दिया है। समाजवादी पार्टी एक संघर्षशील पार्टी मानी जाती रही है, लेकिन जिस तरह से पिछले साल पंचायत के चुनाव में एक से बड़े एक सपा के नेता दगे कारतूस साबित हुए, सुबह सपा का टिकट लेकर शाम को बीजेपी में शामिल हो गए या सपा के टिकट पर लड़ते रहे और डील करके बीजेपी को जिताते रहे, ऐसे तमाम लोगों की पहचान पिछले साल ही की गई थी, लेकिन चुनाव सिर पर होने के कारण बहुत ज्यादा लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन अब अखिलेश यादव के पास समय ही समय है दोबारा से पार्टी के सारे प्रकोष्ठों में ईमानदारी और समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोगों को ही मौका दिया जाएगा। पुलिस को देखते ही रफू चक्कर हो जाने वाले नेताओं और सत्ता से डरने वाले लोगों को सपा में कोई जगह नहीं दी जाएगी। अखिलेश यादव का मानना है कि अगर आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो सच के लिए संघर्ष करना सीखिए। जुगाड़बाज, धंधेबाज और मौका परस्त लोगों का सपा में कोई काम नहीं है। पूरी पार्टी में सिर्फ 2 ही पद बचे हैं जो भंग नहीं किए गए हैं। एक है अखिलेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद और दूसरा है प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का पद। सपा के फ्रंटल संगठन 2021 में बहुत देरी से भरे गए थे। चुनाव के बेहद करीब आकर जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई थी, लेकिन इस बार बहुत सोच समझ कर लोगों को पद दिए जाएंगे, जिससे पार्टी का प्रदर्शन भविष्य में बेहतर हो सके और 2024 की लड़ाई में घमासान युद्ध हो सके। दोस्तों, वीडियो को अपनों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, गोदी मीडिया से होशियार रहिए, क्योंकि गोदी मीडिया आपके पक्ष की खबर कभी नहीं बताएगा, अपने मालिक को ही चाणक्य साबित करके दिखाएगा। नमस्कार।